नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसमें नई न्यूज। पांचवें चरण का जो मतदान है उसके जो उसको लेकर जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं वो पूरी तरह से थम गया है और छठे चरण के चुनाव मतदान के लिए तमाम पार्टियां ताकत झोंक रही हैं। लेकिन इस बीच में प्रियंका गांधी जब प्रयागराज में मौजूद थी, उन्होंने जो रोड शो किया है काबिले तारीफ है, क्योंकि पूरा आज यूपी उनकी तारीफ कर रहा है। तारीफ का वजह तब बन गया जब प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी तो लोग जो है वो घरों पर चढ़कर सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इतना ही नहीं, 6 से 7 सेल्फी ऐसे आई हैं तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, जो प्रियंका गांधी ने खुद ट्वीट किया। ये बड़ी बात है और लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद जनता की राय ये आ रही है कि भले ही कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनावी माहौल बदल दिया है। प्रियंका गांधी ने नेताओं के बयान बदल दिए हैं। प्रियंका गांधी ने नेताओं को ये सिखा दिया है कि मुद्दों पे कैसे बात की जाती है और चुनावी जुमला कैसे फेंका जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता इस वक्त खास करके पहले चरण दूसरे चरण के मतदान के बाद जिस मुद्दों पे बात कर रहे हैं उसको ही उसको उस पर प्रियंका गांधी ज्यादा वार कर रही हैं और बता रही हैं कि वाकई में आज लोगों के लिए क्या जरूरी है और नहीं है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि भले हम जीते या ना जीते लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, महंगाई पे बात करते रहेंगे। देखना यही होगा कि क्या प्रियंका गांधी इमोशनल कार्ड खेलकर क्या जनता को लुभा पाएगी, क्या जनता उनके साथ खड़े हो पाएंगे। ये बड़ा सवाल रहेगा जिसका जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा कि प्रियंका गांधी के तमाम बयानों के साथ जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिस तरह से लोग समर्थन दे रहे हैं, क्या कांग्रेस का वजूद लौट पाएगा, क्या 32 सालों से खोया हुआ वजूद लौट पाएगा। बड़ा सवाल जिसका इंतजार 10 मार्च को मिलेगा। एक और खबर आखिर में आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे से इसपे नई न्यूज लाइव सेशन लेकर आपके साथ मौजूद रहेगा और वो इसलिए क्योंकि कल पांचवें चरण का मतदान शुरू होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबर के लिए देखते हैं इसपे नई न्यूज। नमस्कार।